सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन विशेष परिस्थितियों में किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स के सामने आपको CCTV किस तरह से इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठे हैं जिनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है और ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी जूम प्लेटफॉर्म पर लॉग इन हो चुके हैं और इसी तरह से जब क्विज की एक्टिविटी हो, जब क्विज होगा तो यहाँ पर एक के बजाय दो स्टूडेंट्स बैठे होंगे और इसी मोबाइल पर इन्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, कहूत का लिंक मिलेगा और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो फाइनल राउंड होगा उसकी स्क्रीन शेयर होगी। और इसी तरह से जो एक्टिविटी कॉर्नर होगा उसमें भी जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स है इसी पोजीशन में यहाँ पर आपके सामने बैठा। मेरे हाथ में आप जो दूसरा एंड्रॉइड मोबाइल फोन देख रहे हैं इसके जरिए भी मैं जूम प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर चुका हूँ, जो लिंक की डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर के से मुझे यहाँ पर सप्लाई किया गया था, मुझे प्रोवाइड करवाया गया था। और इस मोबाइल पर मैं वीडियो ऑन कर दूंगा और एक खास बात आप ध्यान रखें कि इसमें यहां पर एक चीज आती है कि ज्वाइन ऑडियो, ये ज्वाइन ऑडियो आपने नहीं करना है, इसको आप ऑफ रखेंगे और आपको यहां पर सिर्फ वीडियो ऑन रखना है। और इस मोबाइल फोन को स्टूडेंट के सामने आप इस तरह से रखेंगे कि स्टूडेंट को हम क्लियरली इसमें देख सकें। आप देख पा रहे हो कि इस स्टूडेंट के सामने हमने ये CCTV रखा है और इसका मैं रीनेम भी कर दूंगा, जैसे स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठे हैं वो JBL के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमार सिंह के स्टूडेंट हैं। उन्होंने अपने उनके हाथ में जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उसको उन्होंने रीनेम किया है JBL के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमार सिंह। और जो उनके सामने CCTV रखा है इसको मैं रीनेम करूंगा JBL के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमार सिंह CCTV। और आप जैसा कि हमारे कंट्रोल रूम के अंदर देख पा रहे हैं उस स्टूडेंट को हम क्लियरली यहां पर देख पा रहे हैं और उसकी पूरी गतिविधि, उसकी सराउंडिंग पर हम नजर रख पा रहे हैं। तो सभी गाइड टीचर्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस तरह से इस CCTV को इंस्टॉल करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। अगले वीडियो में हम और भी गतिविधियां और इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।